झीलों की नगरी में एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग फतेह सागर आए हैं और मैंने एक ब्लॉग में आपको बोला था कि मैं दिन का भी पूरा फतेह सागर का आपको बताऊंगी। तो आज फतेह सागर शाम हो रही है, अभी थोड़ी देर में सनसेट हो जाएगा और यहाँ बैठे मैं और नीलू इंतजार कर रहे हैं कॉफ़ी का, चाय का, सैंडविच के साथ में। पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद में थोड़ा घूमेंगे और हो सका तो बोटिंग करेंगे। और कितना मैं कवर कर सकती हूँ फतेह सागर बनने के लिए आप करेंगे। ऊपर तक पानी है, सनसेट हो रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। पूरी झील पूरी भरी हुई है और वाटर का जो पानी का जो लेवल है वो बिल्कुल सड़क तक है। थोड़ा सा ऊपर आएगा तो वो सड़क तक आ जाएगा, ये उधर से पता चलेगा। बिल्कुल सड़क तक पानी भरा हुआ है, थोड़ी बारिश हो तो सड़क तक आ जाएगा और बारिश के दिनों में सड़क तक आ भी जाता है। और सामने हो रही है बोटिंग, अगर टाइम हुआ तो उसमें हम लोग जाएंगे और वहाँ पूरा आपको नेहरू गार्डन, जो सामने नेहरू गार्डन दिख रहा है, वहाँ का विज़िट करवाएंगे। और ये पूरी चौपाटी है, यहाँ पे लगी हुई है सारी दुकानें नाश्ते की। शाम के टाइम में यहाँ पे सनसेट का आनंद लेते हुए यहाँ पे हल्का फुल्का नाश्ता सभी लोग करने के लिए आते हैं। गर्मी के दिनों में तो यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है, जैसे जैसे रात होएगी यहाँ की भीड़ बढ़ती जाएगी। और यहीं पे ऊपर की साइड में मोती मगरी है, जो महाराणा प्रताप का स्मारक है। झीलों की नगरी की एक झील है फतेह सागर झील, दूर दूर तक। पहाड़ पे बना हुआ है नीमच माता मंदिर। हम लोग देखते हैं कि अगर बोट में जा सके बैठ के नेहरू गार्डन तक, तो वहाँ का अंदर का पूरा व्यू मैं आपको बताती हूँ। बाकी हम लोग घूम रहे हैं फतेह सागर और ये फतेह सागर की चौपाटी है, पूरा नाश्ता वगैरह इधर मिलता है। ये पूरा झील का व्यू है। हम लोगों ने नाश्ता कर लिया, शॉपिंग कर ली और उसके बाद में घूम रहे हैं फतेह सागर की पाल, जिसको बोलते हैं। यहाँ पे काफ़ी लंबे एरिया में ये पूरा फैला हुआ है। पीछे भीड़ देखिए, यहाँ पे चौपाटी है नाश्ते के लिए, शाम को बहुत भीड़ जुटती है। देखिए यहाँ पे ऊँट की सवारी भी होती है, भीड़ यहाँ पे अभी शाम होते होते बहुत बढ़ चुकी है। और हम लोग बोटिंग पे तो शायद अभी जा सके या नहीं जा सके, हम लोग कोशिश कर रहे हैं मोती मगरी जाकर, वहाँ से पूरी झील का व्यू और महाराणा प्रताप का स्मारक बताती हूँ आपको। टूरिस्ट यहाँ पर बहुत आते हैं फतेह सागर के किनारे, जो उदयपुर आता है वो फतेह सागर झील तो घूमता ही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि उदयपुर झीलों की नगरी है, उनमें से ये बहुत बड़ी झील है फतेह सागर, जो बहुत दूरी तक फैली हुई है और इसके आसपास पूरी चौपाटी बनी हुई है। यहाँ के नगरवासी तो यहाँ पे आते ही हैं, उसके साथ साथ यहाँ टूरिस्ट भी यहाँ पर बहुत आते हैं। और इधर में कितने बजे बहुत भीड़ रहती है, सनसेट यहाँ का बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग भी यहाँ पे घूम रहे हैं और आप लोग भी हमारे साथ में यहाँ का आनंद लीजिए। बोट पे बच्चे बोट की सवारी करते हुए, बोट का टाइम तो अभी थोड़ी देर में बंद हो जाएगा तो शायद हम लोग नहीं जा पाएंगे। सनसेट यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है। महाकालेश्वर ब्लॉग में मैंने आपको बोला था कि मैं दिन के टाइम में आपको यहाँ की झील का व्यू बताऊंगी, नाइट व्यू तो आपने उसमें देख ही रखा है। ये है यहाँ का शाम का व्यू, ये देखिए सामने, ये है नेहरू गार्डन, बोट यहाँ तक लेके जाती है। और इसके पीछे जो हो रहा है वो सनसेट, ऊपर है नीमच माता का मंदिर,
यहाँ पर है नीमच माता का मंदिर, कितनी दूर तक फैला हुआ है ये, देखिए हम कितनी दूर तक चलते चलते आ गए हैं। पूरा सड़क के लेवल पे ही पानी भरा हुआ है, बारिश के दिनों में जब बारिश तेज होती है तो सड़क तक भी पानी आ जाता है। और ये चल रही है स्पीड बोट, ये बना हुआ है विवेकानंद पार्क। शाम हो रही है, हम लोग कोशिश करेंगे कि मोती मगरी प्रताप स्मारक जाके आए। ये है यहाँ का टिकट काउंटर और यहाँ से लेना पड़ता है टिकट। सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पर 50 रुपये हैं और बाकी कम से कम 100 रुपये एक जनों का टिकट है यहाँ पर। और 50 रुपये अगर आप रिक्शा या कुछ करके जा रहे हैं तो पार्किंग के लिए उसके 50 रुपये यहाँ जमा करवाने पड़ते हैं। रात होने वाली है तो हम लोगों ने रिक्शा कर लिया है क्योंकि पैदल भी जा सकते हैं, वैसे सीढ़ियाँ हैं, जाना और आना कम से कम 2 किलोमीटर ना, जाने और आने के 2 किलोमीटर है, जाने के और आने के 2 किलोमीटर है। तो इसलिए हम लोगों ने रात होने वाली है तो हम लोगों ने रिक्शा कर लिया है, टिकट ले लिए हैं ऊपर के और रिक्शा करके हम लोग रिक्शा में जा रहे हैं। और क्योंकि रात मेरे पास में वहाँ से कोई भी दूर नहीं दिख पाएगा, ना झील का दिख पाएगा हम लोगों से, इसलिए हम लोग रिक्शा कर लिया है हम लोगों ने और रिक्शा में बैठ के हम लोग। तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं हम मोती मगरी का सफ़र, आप लोग भी हमारे साथ में इंजॉय करिए। मोती मगरी देखिए, ये है मोती मगरी जाने के लिए रास्ता। और मोती मगरी पे प्रताप स्मारक बना हुआ है, जो महाराणा प्रताप यहाँ के जो राणा थे वो उनका स्मारक बना हुआ है। और शाम को सनसेट का व्यू तो वहाँ बहुत अच्छा आएगा, पर अगर रात हो गई तो फिर हम लोग कुछ भी नहीं देख पाएंगे। आज हम लोग नीली और हम दोनों घूम रहे हैं, जैसे चढ़ाई वाला रास्ता है पूरा, पैदल जा सकते हैं यहाँ पे, सड़क के रास्ते से भी जा सकते हैं, सीढ़ियाँ भी बनी हुई है। अगर दिन का टाइम होता तो हम पैदल जाते, अभी रात होने वाली है इसलिए हम लोगों ने रिक्शा करना ही उचित समझा। तो नाखून परेशान कर रहा है मेरे को, नाखून टच हो रहा है ना ये, इसलिए टूटने जैसा है कि नहीं, ये नहीं टूटेगा तो नहीं, हाथ में ले लूं क्या? ये देखो ये साइड में जो टूटा है ना ये टूट रहा है, ये सिया टूटेगा नहीं, अभी ठीक कर देंगे। चलिए कुछ नहीं, ये खोल के और फिर चल। हाँ चल कुछ नहीं। तो ये हम लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, यहाँ पे सीढ़ियाँ है थोड़ी सी, यहाँ पे हम लोग चढ़ रहे हैं और यहाँ से दिख रहा है प्रताप स्मारक ना, प्रताप स्मारक दिख रहा है यहीं से। वैसे दिन के टाइम में धूप होती है और हम लोग शाम को आए हैं तो और ज़्यादा अच्छा व्यू आएगा, फोटो वगैरह यहाँ पे लेते हैं यहीं की ड्रेस पहना के। मोती मगरी पे आ चुके हैं हम लोग और शाम हो गई है, लगभग 6:30 का टाइम हो गया है और हम लोग यहाँ पे अभी घूम रहे हैं। प्रताप स्मारक आपको दिखाएंगे, यहाँ से जो झील का व्यू है वो भी हम आपको दिखाएंगे। अच्छा यहाँ पे ठंडा एकदम मौसम लग रहा है, ज़्यादा ठंड तो नहीं कह सकते पर अच्छा मौसम लग रहा है यहाँ का, शाम हो रही है तो ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और ये है महाराणा प्रताप का स्मारक। माता का मंदिर इसको बोलते दुर्गा माता, अच्छा इनका ओल्ड नाम में पहले नाम रखा गया था वो दुर्गा माता, अभी नाम है नीमच माता। अच्छा इसकी सीढ़ी से वो लाइटिंग दिख रहा ना, हाँ, इसके सामने से ऊपर होकर सीढ़ी चढ़ना पड़ता। अच्छा तो पहले क्या दुर्गा माता नाम था और बाद में नीमच माता हो गया। सामने जो मंदिर दिख रहा है ये है फतेह सागर लेक के किनारे पे बना हुआ है और ये जो मंदिर दिख रहा है और नीमच माता मंदिर है। पहले जैसा कि इन भाई साहब ने बताया अभी दुर्गा माता नाम था और अभी इनका नीमच माता नाम है। और ये जो लाइटें लगी हुई है ये पूरी सीढ़ियाँ हैं, यहाँ सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाके दर्शन किए जाते हैं।
और वाओ कितना प्यारा, ये देखिए ये यहाँ से ये पूरा सिटी व्यू दिख रहा है, लेक व्यू दिख रहा है, ये इधर से ये पूरा दिख रहा है लेक व्यू, और ये पूरा है सिटी व्यू। ये हम लोग मोती मगरी पे खड़े हुए हैं, लाइटें जल गई है शाम की, और ये प्रताप स्मारक है, ये देखिए के नीचे रखा गया ना, ये नीचे पूरी बाड़ी है पूरी। हाँ, हाँ, हाँ। आगे से का गेट मेन आया हुआ था, अच्छा उसका नाम है सहेलियों की बाड़ी। हाँ, हाँ। ये पूरी सहेलियों की बाड़ी, पूरी बाड़ी है, नगर कॉलोनी का नाम भी है। बोला जाता है कि जब राजा महाराजा लोग यहाँ पर राजवंश हुआ करता था, तब रानियों के लिए ये एक मनोरंजन की जगह थी, और यहाँ पर अपने मनोरंजन के लिए घूमने के लिए यहाँ पर रानियाँ आया करती थी। काफ़ी बड़े एरिया में ये सहेलियों की बाड़ी बना हुआ है, और यहाँ से तो छोटा दिख रहा है। उदयपुर में मैं कोशिश करूँगी कि सहेलियों की बाड़ी में भी आपको ले जाके और वहाँ का भी मैं आपको पूरी जानकारी दूँ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, जिलों की नगरी उदयपुर घूमने के लिए। यह पाल बिल्कुल अच्छा, ये वाली जो पाल है यहाँ पे सवेरे मॉर्निंग वॉक वगैरह, हाँ 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 हाँ, तो मॉर्निंग वॉक यहाँ पे ये पूरी फतेह सागर की पाल है। बहुत लंबे चौड़े एरिया में ये पाल बनी हुई है, जो फतेह सागर मतलब झील के जो पास का जो सड़क वगैरह होती है उसको पाल कहा जाता है यहाँ मेवाड़ी में। और यहाँ पर जॉगिंग वगैरह करते हैं सवेरे मॉर्निंग वॉक, शाम को तो खैर आते ही कितनी भीड़ होती है वो तो मैंने आपको बताया है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं झील के बीच में, ये है सौर्य वेधशाला, सूर्य का अध्ययन यहाँ से किया जाता है। प्रताप के साथी थे, और नाम क्या था इनका? हकीम का सूर्य, हकीम का सूर्य इनका नाम था। महाराणा प्रताप के साथ में ये युद्ध में उनके साथ में रहते थे। ये है मेन मोती मगरी का महाराणा प्रताप का जो स्मारक है, ये देखिए यहाँ पर फवारे लगे हुए हैं। ये सूर्य का चिन्ह तो आपको हर जगह मिल ही जाएगा। महाराणा प्रताप कितना खूबसूरत है ना, जिलों की नगरी। ये इसी तरह का नज़ारा आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। ये पर्यटक लोग कुछ हमारे साथ में, ये देखिए इस साइड से ये ऐसा लग रहा है। रात हम लोगों को यहीं हो गई है, अभी हम लोगों को चलना चाहिए। बस ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर तक यहीं तो बैठ जाएं, यहाँ की व्यू को एंजॉय करें। और कितना प्यारा, कितना खूबसूरत लग रहा है यहाँ का भी। ऐसा लग रहा है कि थोड़ी देर यहीं पे बैठें और यहाँ के व्यू को आराम से एंजॉय करें। अच्छा, राजा महाराजा के टाइम पे जो आज से 400 साल पहले की, जब इंडिया से बन क्या निकोटी बना कर सिटी पहले बनाया गया। अच्छा, तो सामने दिख रहा ना वो, ये जो दिख रहा है ये सामने दिख रहा। हाँ, ये यहाँ से क्या किया गया था, सिटी पैलेस की नेकेटी से बनाया गया। अच्छा, सिटी पैलेस यहाँ से मतलब वो करके पूरा बनाया गया था। पहले नाम था, हाँ। मेल नाम था। अच्छा, नाम लगा गया सिटी पैलेस, उधर बना दिया सिटी पैलेस। अच्छा, ब्लैक पैलेस वगैरह। हाँ, हाँ, हाँ। अच्छा, युद्ध का सारा पूरा, हल्दीघाटी युद्ध का और यहाँ के इतिहास का। इतिहास का लाइट एंड साउंड चलता है, लाइट एंड साउंड शो यहाँ पे चलता है, और मोती महल इसको बोला जाता है। यहाँ पर बैठ के थोड़ी देर आराम से इंजॉय करें, ऐसा यहाँ का पूरा माहौल लग रहा है। और यहाँ पीछे जो सिटी दिख रही है, सिटी व्यू जो दिख रहा है, और पूरी फतेह सागर झील जो दिख रही है, उसके आसपास का जो पूरा व्यू है शाम के टाइम में, इतना खूबसूरत लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि यहाँ बैठे थोड़ी देर आराम से इंजॉय करें, पर लोगों को आगे भी वापस निकलना है। तो यहाँ मोती मगरी से हम लोग अब आगे निकलेंगे। फतेह सागर झील पूरा भरा हुआ है और पानी सड़क तक आ रहा है वहाँ पर, और वहाँ के आसपास चौपाटी का व्यू तो पूरा मैंने आपको बताया। नाश्ता हम लोगों ने किया वो भी मैंने आपको बताया। बस हम लोग बोटिंग करके नेहरू गार्डन हम लोग नहीं जा पाए, वो मैं और कभी आपको बताऊँगी। हाँ हाँ हाँ, लेक का पूरा राउंड बना हुआ ना, तो पूरा लेक का राउंड बना हुआ, इंडिया के नेप से बना हुआ। अच्छा, इंडिया का पूरा जो मैप है उस हिसाब से फतेह सागर का पूरा बना हुआ है, पूरा 7 किलोमीटर का राउंड के ऊपर बना हुआ है। 7 किलोमीटर पूरी ये झील का जो पूरा राउंड है वो 7 किलोमीटर का है। वही हम लोग सोच रहे थे कि फतेह सागर का ये जो पूरा दायरा है ये कितना किलोमीटर है, तो अभी हम लोगों को पता चला कि ये लगभग 7 किलोमीटर के आसपास है, और
पूरा ये इंडिया के मैप के हिसाब से बना हुआ है। ये देखिए महाराणा प्रताप, वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप की ये प्रतिमा, और ये पूरा यहाँ पे लिखा हुआ है हल्दीघाटी के युद्ध का, कुछ दे रखा है शायद बैटल ऑफ हल्दीघाटी। देखिए लाइटें जल गई है सारी, रात का भी हो गया है वापस, नीमच माता की लाइटें भी जल रही है, अच्छे से दिख रही है। ये सूर्य का प्रतीक मेवाड़ में आपको हर जगह देखने को मिलेगा। ये महाराणा प्रताप, ये शिरोमणि महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पे, और ये जो मोती मगरी है ये पूरा महाराणा प्रताप का स्मारक ही बना हुआ है। हल्दीघाटी स्मारक, हल्दीघाटी यहाँ से कुछ दूर है, तो ये 43 किलोमीटर, हल्दीघाटी यहाँ से 45 किलोमीटर दूर है, और ये महाराणा प्रताप, ये शिरोमणि महाराणा प्रताप का ये स्मारक है, जो चेतक पे बैठे हुए की मूर्ति है यहाँ पे, जो हम लोगों ने आपको अभी बताया, और आसपास का व्यू जो था वो भी आपने देखा, और चेतक के ऊपर महाराणा प्रताप बैठे हुए हैं। मोती मगरी काफ़ी लगभग ऊपर चढ़ने और नीचे आने में लगभग 2 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है यहाँ पर। यहाँ पे ये बना हुआ है कैंटीन, ऊपर आने के बाद में अगर भूख वगैरह लगाए तो यहाँ पे हल्का फुल्का खाने के लिए भी मिल जाएगा। दानवीर भामाशाह है ना ये, महाराणा प्रताप और भामाशाह, जिन्होंने धन से बहुत कुछ सहयोग किया था महाराणा प्रताप का। और ये बना हुआ है म्यूजियम, जिसमें हम लोग अभी जाएंगे अंदर, फिर वहाँ का मैं आपको बताती हूँ। बना हुआ है वीर भवन, ये वीर भवन है, म्यूजियम बना हुआ है। हल्दीघाटी में जो कुछ भी युद्ध हुआ था उसके कुछ सामान वगैरह शायद यहाँ पे रखे हुए हैं, ये अंदर जाने के बाद में ही पता चलेगा, तो आप ही चलिए। देखिए सबसे पहले है यहाँ पे ऊपर वीर श्रोमणी महाराणा प्रताप, उसके ऊपर जो यहाँ का सिंबल सूर्यवंशी राजाओं का जो रहता था प्रतीक सूर्य महाराणा प्रताप, काउंटर बना हुआ है। ये देखिए कुछ पेंटिंगें लगी हुई है, इनके स्क्रीनशॉट लेके आप पूरी यहाँ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। कितना सुंदर और विशाल बना हुआ है अंदर से, पूरे राजस्थानी शैली में बना हुआ है। ये देखिए ये बना हुआ है कुंभलगढ़ दुर्ग, जो राजस्थान के जो फेमस दुर्ग हैं उनमें से एक है कुंभलगढ़ दुर्ग, तो ये बना हुआ उसका मॉडल कुंभलगढ़ दुर्ग का। ये देखिए कुंभलगढ़ दुर्ग का मॉडल आप मेरे पीछे देख सकते हैं। राजस्थान के जो लिविंग फोर्ट है अभी उनमें से चित्तौड़गढ़ और कुंभलगढ़ भी उनमें से एक है। काफ़ी लंबी चौड़ी जगह में बना हुआ था कुंभलगढ़, अभी भी ये बहुत लंबी जगह में कुंभलगढ़ का किला फैला हुआ है, अंदर देवी माँ का मंदिर भी है, और राणा कुंभा ने इसको बनवाया था। इसकी जो हिस्ट्री है वो मैं कभी आपको और किसी ब्लॉग में पूरा बताऊंगी, क्योंकि उससे पूरा एक पूरी डॉक्यूमेंट्री उसी के ऊपर तैयार हो जाएगी, तो मैं आपको और कभी बताऊँगी। ये देखिए यहाँ पे कबूतर भी आके बैठ गया है। देखिए
जैसा लग रहा है ना, जैसे सच का दुर्ग में ही हम लोग खड़े हुए हैं। इतना विशाल मॉडल बना रखा है। Thank you.
झीलों की नगरी उदयपुर, और ये है दूध तले की पाल जो मैं आपको बता रही हूँ अभी। जैसे कि मैंने बताया कि उदयपुर में हर तरफ झीलें ही नज़र आती हैं, और ये दूध तले झील है, फतेह सागर के पास ही है। यहाँ पर बहुत भीड़ है, और मेरे पीछे की साइड में हो रहा है सनसेट, तालाब फुल भरा हुआ है और लोग यहाँ के व्यू को एंजॉय कर रहे हैं। ये दूध तले की पाल है, शाम का टाइम है और दिवाली का दिन है। लोकल लोग तो आज यहाँ पे बहुत कम है, पर पर्यटक की भीड़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। सनसेट हो रहा है। दूध तले भी यहाँ की एक झील है, जैसे कि फतेह सागर झील मैंने पहले आपको बताई थी, उसी तरह से यहाँ पर ये दूध तले झील है। और यहाँ पर ये है पाल दूध तले की। तालाब के पास में जो भी किनारा होता है, चलने का जो सड़क वगैरह होता है, उसको मेवाड़ी में पाल कहा जाता है। तो ये दूध तले की पाल है। पर्यटक लोग बहुत है, शाम का नज़ारा दिखाई दे रहा है दूध तले में, और पानी पूरा भरा हुआ है। सनसेट यहाँ से बहुत सुंदर लग रहा है, और ये बोट पड़ी हुई है, और बोट से यहाँ पे जाया जाता है जग मंदिर। फतेह सागर झील के बीच में बना हुआ है नेहरू गार्डन, और यहाँ पर बना हुआ है जग मंदिर। शाम का व्यू, ये जो चल रहा है फोटो सेशन, दूसरे में आपको बता रही हूँ कितना खूबसूरत लेक का व्यू। अभी जो कि दिवाली का टाइम है, आज दिवाली का ही दिन है, आप सबको हैप्पी दिवाली। लोग तो ये थोड़ा देर से आएगा। पुराने ज़माने में इस लेक का पानी दूध के जैसा प्योर माना जाता था, इसीलिए इसका नाम दूध तले पड़ा। पीछे देखिए लेक का व्यू, ये कमल उग रहे हैं इसके पानी के अंदर। हाँ, ये पूरा शाम उधर ही आपके सामने से रास्ता आता है, तो मेरे पीछे भी मेरी ग्रीन टीम है। हाँ, छोटा सा, क्या नाम है इसका? माऊ। माऊ दूध तले का नाइट व्यू वो तो इसमें याद रखा तूने नहीं।
आई थी मैं यहाँ पे वीडियो बनाने के लिए और मिल गई मेरी फ्रेंड, तो हम लोग बातें करने के लिए बैठ गए यहाँ पे। यहाँ पर हम लोग चाय को भी पियेंगे और उसके बाद में फिर जाएंगे वापस। और ये है झीलों की नगरी उदयपुर, ये है दूध तलाई का व्यू, दूध तलाई से ऊपर से कैफे से मैं ले रही हूँ ये व्यू। अजब का शैतान है। शैतान बच्चा मेरा दुपट्टा मत पकड़ना तू, शैतान बच्चे। तो दूध तले हम लोग घूम लिए, वहाँ पर शाम को सनसेट भी देख लिया और उसके बाद में हम लोग आ गए मार्केट। यहाँ पर बेटे को लेना था आईफोन 14 प्रो, तो हम लोग मार्केट आए हैं यहाँ पर फ़ोन लेने के लिए। और ये हम लोग वही देख रहे हैं यहाँ पर।